एक तरफ रामनवमी का जुलूस और दूसरी और मस्जिदों मदरसों में आग का तांडव। आखिर कौन है वो लोग जो धर्म की आड़ में बुजदिली का खेल खेल रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मस्जिदों मदरसों को निशाना बनाया गया, कैसे तलवारों लाठी से डरा कर किसी दूसरे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा में एक और भयानक खबर सामने आई है, जहां हरियाणा के सोनीपत में एक मस्जिद में हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 18 नामजद समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सोनीपत के सांदल कला गांव का है। यहां मुस्लिम समुदाय ने गांव में नमाज अदा करने के लिए छोटी मस्जिद बनाई गई है। आरोप है कि यहां 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों ने देर रात नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला कर दिया। हमला करने वाले युवक गांव के ही बताए जा रहे हैं। अभी मामले की वजह सामने नहीं आई है। आरोप है कि हमला करने वाले युवकों ने मस्जिद में तोड़फोड़ भी की। हमला करने वाले कुछ युवकों की तस्वीरें भी सामने आई है। इसमें युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। सोनीपत बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया थाना पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।